भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके कई विवादित चीज़ें हैं जिसने के लिए देश ने उनको कभी क्षमा नहीं किया है, लेकिन आज भी वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका की एक ऐसी परिषद जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है उसके कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ऑनलाइन जिस तरह की बातें कही हैं, इसका ये देश पूरी तरह हामिद अंसारी की इस बात को नकारता है। ये देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, और मैं मानता हूं कि जिस तरह अमेरिका की जो IMC है, जो एक संस्था है जो सिर्फ भारत को बदनाम करने में लगी रहती है, एक तो उसके कार्यक्रम में उनको जाना नहीं चाहिए था, दूसरा वहाँ पर जाकर जो बातें उन्होंने कही, IMC जिसके फाउंडर शेख उबैद पहले से ही बहुत सारा फंड इकट्ठा करके भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरह का काम किया है, और उसने करीब 4,12,000 जो US डॉलर है उसको खर्च किया, कभी बर्मा में, कभी अन्य चीज़ों में, और उसी के कार्यक्रम में जिस तरह हामिद अंसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर इस देश को लेकर चल रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर आज भारत की प्रशंसा हो रही है कि इतने बड़े देश में न कोई दंगा है, न फसाद है, न कोई विवाद है, भारत संविधान से चलता है। लेकिन हामिद अंसारी ने, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने इस बात की भी कदर नहीं की है। उन्होंने पहले भी जब 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का पोर्ट्रेट लगाया गया था, तब भी उस वक्त उनका बयान पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण था। 1918 में भी जब शरिया अदालतों के पक्ष में विवाद बयान देकर उन्होंने एक विवाद खड़ा किया था, 2017 में ही हामिद अंसारी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में जब गए थे तो उनकी एक आलोचना हुई थी, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया गया, उसमें भी 190 से ज़्यादा देशों ने उसमें भाग लिया, लेकिन उस वक्त उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, कई केंद्रीय मंत्री शरीक हुए, लेकिन हामिद अंसारी साहब ने उसमें शरीक होना बहुत जायज़ नहीं समझा। उन्होंने जिस तरह की बातें की, वो देश पहले से, जब उन्होंने एक बार वंदे मातरम के लिए जब कहा गया, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ, यही काफ़ी है। हामिद अंसारी साहब इस देश के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं, पूरा देश उनसे पूछता है, आखिर जिस देश ने आपको नंबर 2 कुर्सी दी, यानी उपराष्ट्रपति की कुर्सी दी, जिस देश ने इतना सम्मान दिया, कई राज्यों में आप भारत के एम्बेसडर रहे, कई राज्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है, ये देश जानना चाहता है।